हेलो एवरीवन आज हम लोग का टॉपिक है एग्जेट इनकम्स के बारे में एग्जेट इनकम्स आर दोज इनकम विच आर टैक्स फ्री इनकम्स एंड दीज इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम मीन्स जो आपकी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है उस इनकम में एग्जाम इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है ये और ये इनकम आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है इस पर इनकम टैक्स इम्पोज़ नहीं किया जाता है इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 10 में एग्जाम इनकम्स को बताया गया है और आज हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इनकम्स होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जेम्ट होती है रिसिप्ट फॉर्म एच यू एफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एग्जेप्ट होती है क्योंकि कोई भी इनकम पे जब टैक्स लग जाता है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस इनकम पे टैक्स नहीं दिया जाता है इसी तरह से शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर इन ए फॉर्म अगर पार्टनरशिप फॉर्म से जो उसका पार्टनर रिसीव कर रहा है अपना शेयर वो भी आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है नेक्स्ट कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बारे में बताया गया है कि ये भी आपकी एग्जैम्ट होगी और वो इन स्पेसिफाइड आपकी सिक्योरिटीज़ है इंटरेस्ट ऑन सेवन परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एट परसेंट रिलीफ बॉन्ड्स टू थाउजेंड टू सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट सेविंग बॉन्ड्स टू थाउजेंड थ्री पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अप टू रुपीज़ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज एग्जेम इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट इंटरेस्ट इज़ एग्जैम्ट अप टू रुपीज़ सेवन थाउजेंड मीन्स अगर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो थर्टी फाइव हंड्रेड और इन द केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट सेवन थाउजेंड तक इंटरेस्ट आपका एग्जैम्ट होता है नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपकी एग्जाम्ट होती है अप्रूव्ड अवार्ड्स एग्जाम्ट इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट एग्जेप्ट अप टू फिफ्टीन हंड्रेड फॉर ईच माइनर चाइल्ड जो माइनर चाइल्ड होगा उसकी फिफ्टीन हंड्रेड तक इनकम एग्जेम्प्ट होगी इनकम फ्राम यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम नाइनटीन सिक्सटी फोर इज एग्जेम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ एग्जेम पेमेंट फ्राम सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज एग्जेप्ट फ्राम द टैक्स ओके बाई है